पता चला है कि बादशाह और हनी सिंह ने एक दूसरे को रिप्लाई दिया है स्टेज शो में ही अपने. अब देखते हैं क्या रिप्लाई दिया है. ट्रैक में तो रिप्लाई दे ही रहे हैं तो स्टेज शो में भी रिप्लाई देने लग गए हैं. बढ़िया बात है. अगर आप भी एक स्टूडेंट है या कोई जॉब करते हैं या आपको कोई बिजनेस है सो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट. सो अगर आप भी महीने के 15,000 से 20,000 ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो बाय यूजिंग योर स्मार्टफोन बाय वर्किंग 2-3 आवर्स इन अ डे सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. येस आई एम इंटरेस्टेड. इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा. आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डे टू डे अपडेट्स. एंड जो भी इंटरेस्टेड है मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करिए. येस आई एम इंटरेस्टेड सो दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ. आई विल गाइड यू पर्सनली इन दिस. लेट्स ग्रो टुगेदर. लगता है आगे जाके इनकी कॉन्ट्रोवर्सी भाई. एक ना जैसे वो हुआ था ना एमी और कृष्णा की एक बीफ चली थी. कृष्णा गुफार की चली थी ना भाई. वैसे ही इनकी बीफ चलनी चाहिए तो मजा आएगा भाई. हम तो चाहते हैं. आपका क्या क्योंकि आपकी क्या राय है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ग्रजेस हमारी थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाएगी हम सभी की है हाँ. ना. और ट्रैक्स भी कई सारे सुनने को मिलेंगे हमें दोनों की अलग अलग वोकैबुलरी सुनने को मिलेगी. दोनों की हाइप समझ लो और दोनों के वर्ड वोकैबुलरी भी देखने को मिलेगी. गेम प्ले देखने को मिलेगा भाई. तो भाई देखते हैं अब कैसा रहेगा. बाकी तो अब स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. हमें तो दोनों आर्टिस्ट पसंद है भाई. किसी को हेट नहीं है क्योंकि हनी सिंह के गाने भी मास्टरपीस है और बादशाह के भी मास्टरपीस. एक टाइम पे दोनों भी साथ थे. ओ मेरी दानी तेरी जवानी है ना. स्टार्ट करते हैं अब. जिंदगी की धूप रोज बदलती है. आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी. हेलो गाइस. तो गाइस अब बादशाह के बाद अब यो यो हनी सिंह ने एक लाइव कॉन्सर्ट में एक लाइव शो में बादशाह को रिप्लाई दिया है. जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले बादशाह ने एक लाइव शो में ये कहा था कि यहाँ पर जो भी हनी सिंह के फैन है आप लोग मुझे एक कागज दो, मैं वहाँ पे आप लोग कुछ लिरिक्स लिख के दूंगा जिससे तुम्हारे पापा का कम बैक हो जाएगा. यहाँ पर आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो. तुम भी आए हो क्या? एक पेन और पेपर देना. पेन पेपर गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए. कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ. पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे. यार। अब यहाँ पर दोस्तों बादशाह ने हनी सिंह को रिप्लाई दिया था इस शो में. अब उसके बाद हाल ही में हनी सिंह का भी एक शो हुआ था जहाँ पर उन्होंने बादशाह को भी रिप्लाई दिया और उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को उनका वीडियो दिखाता हूँ. okay. आपके किसी का कद नहीं देखा जाता. जिंदगी की धूप रोज बदलती है. आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप भी होगी. और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो रिप्लाई करो. मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे रखी. क्या रिप्लाई दिया यार. तुम लोग क्रेजी हो. पागल है उसके फैंस और पागल है. तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हनी सिंह ने बादशाह को क्या रिप्लाई दिया और उन्होंने क्या कहा. बाकी इस मैटर पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग किसके सपोर्ट में हो, हनी सिंह के या फिर बादशाह के, आप लोग आपकी राय और आप लोग का ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा. ओह माय गॉड, उसने बादशाह ने बोला कि तुम भी आए हो क्या, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ तो तुम्हारे पापा का कमबैक आ जाएगा. और भाई मुझे रिप्लाई देने की क्या जरूरत है. हनी सिंह ने बोला कि भाई तुम लोग उसकी क्या रिप्लाई थी. मैंने पहली बार किसी के मुंह से ऐसा रिप्लाई सुना है भाई कि भाई तुम मतलब कि तुम इतने पागल हो भाई. मतलब मैं तो अभी भी सोच रही हूँ कि हनी सिंह ने बोल दिया ऑन स्टेज. कैसे ऑन स्टेज बोल दिया. माय सिचुएशन व्हाट्स दैट आई व्हाट्स दैट. तो ये अब देखते हैं क्या होने वाला है ट्रैक आगे. नेक्स्ट ट्रैक क्या आएगा. फिलहाल तो हमने हनी सिंह का दिग्गज अंगीरा सुना था. बाकी बात अच्छी लगी हनी सिंह की जिंदगी की धूप हर रोज बदलती है. आज तेरी धूप तो कल मेरी धूप होगी. हाँ, अप्स एंड डाउन की बात हो गई यहाँ पर कि अप्स एंड डाउन होता ही रहता है. बादशाह की अभी एल्बम आई है एक था राजा हो भाई, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स है. और हनी सिंह का रिसेंटली आया था विकदिया लव डोज 2, उसमें भी लिख दिया 2 वे कंटिन्यूड. इट मीन्स लव डोज 3 भी आएगा है ना. वही ना कला स्टार की बात कर सेम कर दिया ना कि हाँ जैसे वो आया था ना यार तेरा देसी कलाकार का हाँ, कलाकार आया था तो ऐसे ही लव डोज का हीरा आ गया. तो और भी ये भी अब 2 भी कंटिन्यूड है. अब देखते हैं आगे क्या सुनने को मिलेगा भाई हमें. तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ. ये दोनों एक दूसरे को पोक कर रहे हैं बराबर का.
कि पेन पेपर दे दो, पेन पेपर दे दो, कुछ लिरिक्स लिख देता हूँ, तुम्हारे पापा कम बैक आ जाएगा। फिर पापा ने रिप्लाई करा, ओह माय गॉड। आपकी क्या राय है इस पे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।